हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ब्रेड लवर हो ना तो आप ये ब्रेड की रेसिपी ज़रूर आपको पसंद आएगी और ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई करेंगे। तो चलिए फटाफट से, यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है और इस ब्रेड को अभी हम करते हैं साइड में। तो पहले हम इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 पीस मैंने आलू ले ली है और इसे मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद इसे अच्छे से थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ना फॉक से इसे अच्छे से मैश कर लेना है। तो फटाफट से आपको इसे मैश करना है। तो यहाँ पर देखिए मैश भी हो गई है। चलिए अब इसमें क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर मसाले ऐड करेंगे, बिल्कुल टेस्टी फुल और बिल्कुल फ्लेवरफुल मसाले यहाँ पर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नमक ऐड कर देना है। तो नमक यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है, यानी कि 1/4 टीस्पून मैंने डाला है। तो और 1/4 टीस्पून मैंने मिर्च पाउडर भी डाला है और 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा मैंने कम हल्दी पाउडर डाला है, सिर्फ कलर के लिए। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून भुना हुआ ये जीरा पाउडर है और 1/4 टीस्पून ही यहाँ पर धनिया पाउडर भी जाएगा। ये मसाले जो घर में अवेलेबल होते हैं, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर जो भी डाल रही हूँ सारी चीज़ आपके घर में अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर डाल दीजिए 1/4 टीस्पून या तो आधा चम्मच के करीब यहाँ चाट मसाला। चाट मसाला की जगह पर आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 1/4 टीस्पून, थोड़ा सा कम यहाँ पे गरम मसाला पाउडर। और अब यहाँ पर डाल दीजिए आधा चम्मच ओरिगैनो। ओरिगैनो से ना ये इसका टेस्ट बहुत ही अलग सा आता है, यानी कि बहुत अच्छा सा आता है। अब इसमें ना डाल दीजिए 1/2 कट करके प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप करके डालिएगा। जो भी सब्जी यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सभी को बिल्कुल बारीक चॉप करके यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा शिमला मिर्च भी डाल दिया है 2 से 3 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये जो सब्जी आप यहाँ पर ना गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन जो भी सब्जी आप यहाँ पर डालना चाहें तो आप बिल्कुल बारीक चॉप करके डालिएगा। अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो सिर्फ आप प्याज डाल दीजिए, उससे भी आपका काम चल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है धनिया की पत्ती। अब इससे जो है ना नाश्ते में जो है टेस्ट भी अच्छा आता है और देखने में भी अच्छी लगती है। अब देखिए हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गया है, अच्छे से मैंने कर दिया मिक्स। अब इसे हम करेंगे इसे साइड में, अब इसकी हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने बेसन लिया है और बेसन में हम थोड़े से ना मसाले डालेंगे ताकि ये चटपटे से बन सके। तो टेस्ट के हिसाब से 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है और 1/4 टीस्पून मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला है इसके कलर के लिए। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स मैंने डाला है क्योंकि इसे मैं चटपटा सा बना रही हूँ। तो और यहाँ पर 1/4 टीस्पून अजवाइन डाल दीजिएगा ताकि इसका फ्लेवर ना बहुत बढ़िया आएगा। आप यहाँ पर हींग का भी यूज कर सकते हैं, हींग से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये डाइजेशन में भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो चलिए अब इसे हम अच्छे से कर लिया मैंने मिक्स। और अब क्या करेंगे, इसे हम ना इस कुरकुरी सी हम इस रेसिपी को बना रहे हैं। तो इसके लिए हम चावल का आटा यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो चावल का आटा मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाला है। अब क्या करना है, इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। अब हमें यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, बस इसकी बैटर को थोड़ा सा हमें गाढ़ा यानी कि थिक हमें रखना है इस टाइम पे। तो थोड़ा ही थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चले जाएंगे। आप ना इसे ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है, इसे बस गाढ़ा अभी रखना है। और गाढ़ा रखने के बाद क्या करना है, थिक बैटर को आप 1 से 2 मिनट अच्छे से इसे बीट कर लीजिएगा यानी कि फेंट लीजिएगा, ताकि ये जो है नाश्ता बने ना बिल्कुल हल्का फुल्का और बिल्कुल फ्लफी बनेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। बस इसी तरीके से मैंने क्या किया, इसे 2 मिनट मैंने इसे अच्छे से बीट कर लिया है। तो ये देखिए कितना हल्का सा नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करना है। तो इसका बैटर हमें जो जिस तरीके की रखनी है ना, बस थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पर पानी डालेंगे और चेक करते जाएंगे कि हमारी कंसिस्टेंसी किस तरीके की है। तो हमें जिस तरीके की रखनी है बस उसी तरीके की हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा सा मुझे और ज़रूरत पड़ी तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिए है। तो इसमें हम ना एक चीज़ और डालेंगे ताकि इसमें नाश्ते ना हमारा कुरकुरा भी बनेगा, बिल्कुल खस्ता बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ।
अब यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल देंगे ताकि नाश्ते देखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी टेस्टी लगेगी। अब यहाँ पर देखिए खस्ता कुरकुरा बनाने के लिए यहाँ पर डाल दीजिए 2 चम्मच ऑयल, ये वेजिटेबल ऑयल है, और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिएगा ताकि ऑयल जो है बेसन और चावल के आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए फटाफट से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं आप, इस तरीके की हमें रखनी है कि कोई जैसे कि हम कोट करें ना तो बहुत अच्छे से ये कोट हो जाएगी। चलिए अब ये हमारा सारा चीज़ तैयार हो गया है, अब इसे हम करते हैं साइड पे। अब हम यहाँ पर ब्रेड लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर ब्रेड ले लिया है 2 पीस इस साइड में। अभी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना शेजवान मैंने सॉस ली है, आप इसकी जगह पर टोमेटो केचप हो या ग्रीन चटनी हो कुछ भी हो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छे से इसे लेकर के आपको फैला देना है, इससे ना शेजवान सॉस से जो है बिल्कुल चटपटा सा इसमें स्वाद आएगा और तीखापन भी आएगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आपके पास हो तो ज़रूर से लगा लीजिएगा। अब इसमें क्या करना है, स्टफिंग को हम यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, और एक अच्छी सी मोटी सी लेयर इसके ऊपर हमें चढ़ा देना है। तो अच्छे से फैला दीजिएगा अच्छे से, ताकि बाहर बिल्कुल ना निकले और अच्छे से ये स्टफिंग हमारे ब्रेड में एक साथ लग जाएगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये लग चुकी है। इस तरीके से क्या करेंगे ना, अब हम दूसरे ब्रेड को इस तरीके से इसके ऊपर हमें रख देना है और इसे अच्छे से हाथ से प्रेस कर देना है, ताकि ये ऊपर वाली ब्रेड जो है ना अच्छे से इसके ऊपर से चिपक जाएगी। अब साइड से जो आलू की स्टफिंग निकल रही है तो हाथों से इस तरीके से आपको कर लेना है और अच्छे से इसे बिल्कुल बराबर कर लीजिए ताकि बिल्कुल ये निकले नहीं पाए बाहर। अब यहाँ पर देखिए अगर आप पिज़्ज़ा कटर से कटिंग करेंगे तो इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। तो इसकी कटिंग आप ना अगर स्क्वायर में करना चाहते हैं तो स्क्वायर में कर सकते हैं, तो देखिए इसकी कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखिए पिज़्ज़ा कटर से जो है थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, आप यहाँ पर ना बिल्कुल नाइफ़ का यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल तेज़ शार्प जो है यहाँ पर नाइफ़ होगी आपकी ना, तो बहुत अच्छे से इसकी कटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए ये पिज़्ज़ा कटर की और ये देखिए चाकू की, दोनों तरीके से मैं आपको बता दिखा देती हूँ कि इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो इस तरीके की होगी। आप ना चाकू का ही यूज़ यहाँ पर कीजिएगा। अच्छा एक बात और मैं बता दूँ कि अगर ब्रेड के आप एचेस को हटाना चाहते हैं साइड के पीसेस को, तो आप कट करके हटा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी एचेस को भी नहीं हटाया है और इसी तरीके से मैं इस नाश्ते को तैयार कर रही हूँ। तो चलिए इस ब्रेड में भी मैंने क्या किया, शेजवान सॉस मैंने लगा लिया है और अब स्टफिंग को इसके ऊपर से रखेंगे और अच्छे से ना स्प्रेड कर देंगे। एक मोटी लेयर मुझे लगानी है तो यहाँ पर हमें इस तरीके से स्प्रेड कर देना है अच्छे से फैलाते हुए, और ये जो स्टफिंग बनी है ना बिल्कुल चटाकेदार बनी है। एक बार इस तरीके से ना स्टफिंग को बना करके देखिएगा, बहुत ही लाजवाब बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस तरीके से ना ब्रेड को इसके ऊपर से रख देना है और इसे भी मैं यहाँ पर कट करने वाली हूँ। तो आपको अगर लंबे स्लाइस में कट करने हो तो इस तरीके से कर लीजिएगा, अगर स्क्वायर शेप देना चाहते हैं तो 1/2 करके उसके बाद चार पार्ट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर 3 ब्रेड के स्लाइस मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं इस तरीके से। तो जितने भी नाश्ते आपको बनाने हो ना तो बस इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए टाइम कितना देखने में टेम्पटिंग लग रहा है ना, यकीन मानिए फ्रेंड्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही लाजवाब बनती है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से गैस की तरफ। तो यहाँ मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है, अब बैटर भी हमारा बिल्कुल रेडी है और ये हमारा ब्रेड जो है नाश्ता बिल्कुल तैयार है। अब क्या करेंगे ना, इसे ब्रेड को एक पीस लेंगे और बेसन की इस सैलरी में हम कोट करेंगे अच्छे से, और इस ऑयल में हमें डाल देना है, इस तरीके से डीप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑयल को बहुत अच्छे से पहले गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें डालिएगा और मीडियम फ्लेम पर इसे आपको अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता होने तक यानी कि फ्राई करना है। तो चलिए कुछ सेकेंड इसी तरीके से रहने दीजिएगा, उसके बाद इसे आपको फ्लिप करना है। एक साइड से जब हो जाएगा ना तो आपको टर्न कर लेना है इस तरीके से। तो ये ना चारों साइड से आपको अच्छा सा कलर आने तक आपको फ्राई करना है, इसे सभी तरफ से अच्छे से सिक भी जाएगी और कलर भी अच्छा सा आ जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल कुरकुरी और बिल्कुल खस्ता हमारा ये ब्रेड का नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स आप इस नाश्ते को क्या नाम देंगे ज़रूर से बताइएगा मुझे कमेंट्स में। तो इस तरीके से ऑयल को इस तरीके से निकाल लीजिएगा, एक्स्ट्रा ऑयल जो है बिल्कुल कढ़ाई में चला जाएगा और आपको इस तरीके से नाश्ते निकाल लेने हैं। तो बाकी नाश्ते को भी ना हम इसी तरीके से फ्राई करने वाले हैं।
हैं, बस बेसन के कोट में हम इसे अच्छे से कोटिंग करेंगे और ऑयल में इसे हमें डिप कर लेना है। तो बनाना बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। तो देख लिया ने फ्रेंड्स कि कितने ही कम ब्रेड में कितने ही ढेर सारे नाश्ते तैयार हो जाते हैं। आप भी इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, बारिश का मौसम है और फटाफट से इस रेसिपी को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हर बारिश में ना हमें चटपटा खाने का बिल्कुल मन करता है, तो इससे बेहतर और क्या होगा। बस आप पकौड़ी कचौड़ी तो बहुत बार खा चुके होंगे, लेकिन इस नाश्ते को एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। मैं इसे कट करके भी आपको दिखा देती हूँ कि अंदर की जो फीलिंग्स है किस तरीके की है। अच्छा, इसमें जहाँ तेल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती है, ये और भी मज़े की बात है। तो ये देखिए कितना अंदर से सॉफ्ट है और स्टफिंग बिल्कुल चटपटी है और ऊपर की लेयर बिल्कुल क्रिस्पी और खस्ता है। तो चलिए इंजॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।